नादर पंजतने पाक अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नऊबिदु इय्याका नस्तईन व सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अन'अमता अलैहिम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु वहद अल्लाह मोमिनीन इकराम सलाम अलैकुम हजरत आप हजरात को बहरहाल ये मालूम है कि आज का ये जो प्रोग्राम है ये किस उमान से रखा गया है। जनाब कलीम अली कलीम जैदी साहब की मेहनतों का नतीजा कि उनके चैनल ने ये भी एक खुसूसी बात देखें जो मैंने महसूस किया कि जो इनके 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए वो पूरे 12 साल कंप्लीट होने के बाद, ये भी मतलब देखें तो अहले बैत और इमाम से मोहब्बत का एक जज्बा सामने आता है जिस तरीके से इन्होंने मेहनत किया है। अब बहरहाल हम तो यही दुआ करेंगे कि परवरदिगार जिस तरह इनका सिल्वर बटन आया है उस तरह जल्द से जल्द इनका गोल्ड बटन भी आ जाए और बहरहाल इनकी टीम का जो जज्बा दिखता है वो किसी से भी छुपा नहीं है। कोई भी मौसम रहा हो, बारिश का मौसम रहा हो, गर्मी रही हो, ठंड रही हो, जब भी इनको खिदमत का मौका मिला इन्होंने उस जगह खिदमत को अंजाम दिया और पूरी टीम ने बाकायदा तरीके से मेहनत किया। बहरहाल इसमें कलीम भाई अकेले भी नहीं है, जाहिर सी बात है पूरी टीम का एक वर्क है। अब माशाल्लाह मैं तो यही दुआ करूँगा परवरदिगार से कि परवरदिगार इनको और इनकी टीम को सलामत रखे और इसी तरह ये तरक्की करते रहें। हमारे दरमियान एक मोतबर आलिम दीन आली जनाब मौलाना महफूजुल हसन खान साहब किबला प्रिंसिपल जामिया नासिरिया अरबी कॉलेज मौजूद हैं। मैं उनसे गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कुछ मारूदात हम लोगों के सामने पेश करें आज की इस उनवान से आवाज़ बुलंद सलवात। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين فلعنت الله على أعدائهم أجمعين ومن كره فضائلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق فهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے کہ نیکیوں میں انسان مدد کرے اور برائیوں سے اور گناہوں سے دور رہے۔ یہ پروگرام جو رکھا گیا ہے आप हज़रात को मालूम है कि जौनपुर अज़ा चैनल इसकी एक तूलानी खिदमत है। अभी जैसा कि बताया हमारे तनवीर साहब ने कि तकरीबन 12 साल हो गए, 12 साल से लगातार जो है आप खिदमत कर रहे हैं और लोगों के दरमियान जो है हैं शहर में। देखिए जहाँ तक पैसा की बात होती है, पैसा कमाने के लिए और बहुत ज़रिए हैं और माशाल्लाह से जो है कलीम साहब कोई ऐसा भी नहीं है कि मसलन माजूर शख्स हैं, दूसरा काम भी कर सकते थे, लेकिन इनकी खिदमत हमारे यहाँ तकरीबन जब से मजालसे फातमी शुरू हुई है तब से आप जो है लाइव चला रहे हैं।
और इस बंदे खुदा ने कभी एक पैसे का मतालबा हमारे यहाँ नहीं किया। कुछ हमने दे दिया तो इन्होंने रख लिया, वरना कभी भी आप हमारे मदरसीन से मालूम कर सकते हैं, तलबा से मालूम कर सकते हैं, और हमारे यहाँ हिसाब लिखा जाता है पूरी जितना भी खर्चा होता है उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो इनको दे दिया गया उन्होंने रख लिया। इसी तरीके से अलविदा जुमे की लाइफ ये करते हैं, उसमें भी कभी इन्होंने पैसे का मतालबा नहीं किया, मस्जिद वालों ने कुछ इनको दे दिया। बहरहाल इनके साथ और लोग, इनकी टीम, और हर जगह ये हाजिर रहते हैं दीनी काम में, मजलिस, मातम, जुलूस, ईद, बकरीद और दूसरे प्रोग्राम जो होते हैं हमारे मज़हबी प्रोग्राम, तो इनमें कुछ खसूसियात हैं और इनके देखने वाले भी बाहर बहुत हो गए हैं। माशाल्लाह से अभी तकरीबन 1 लाख इनके सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिसकी वजह से हमको सबको खुशी हुई, दिली खुशी हुई, और दिल से दुआ निकल रही इनके लिए कि इंशाल्लाह इनको जो है अब गोल्डन बटन भी मिलेगा, और अभी तो सिल्वर मिला है, और इसी तरीके से खिदमत करते रहें। खुदा से यही दुआ है इनके लिए और इनकी टीम के लिए, इनके साथ जो लोग लगे रहते हैं और जहाँ भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ के आते हैं, जहाँ भी गए लाइफ के लिए। एक तो इनका अखलाक, इनका मिलना जुलना और लोगों से जो है बातचीत, तो खिदमत है इनकी, 12 साल की खिदमत बहुत बड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि और अदादारी मजलिस भाई टाइम देना, रातों को जगना, दिन को जगना, मेहनत करना। हमारे यहाँ 3 दिन ये शख्स समझ लीजिए कि जो है एकदम ऐसा बिज़ी रहते हैं जैसे हम लोग बिज़ी रहते हैं, और ये भी हमारे जो है यानी मदरसे के जो मुंतजमीन हैं उसके एक रुकन हैं ये, और इनकी कमेटी जो है पूरा पूरा ताउन रहता है इनका जो है, मजालिस फातमी में भी, अलविदा जुमे में भी, या और जो कोई प्रोग्राम होता है। तो हम तो खुदा से दुआ करेंगे भाई इनको खुदा बंदे आलम जो है हर आफत और मुसीबतों से महफूज रखे। और अभी बीच में जो है एक अफवाह ये भी उड़ी थी, मुझसे भी लोगों ने कहा साहब बंद हो गया उनका चैनल, बंद हो गया उनका चैनल, बंद हो गया, बड़ा शोर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सब जो है ऐसे ही था, हो गया सब। शुक्र किया मैंने खुदा का कि चलो शुक्र है खुदा बंदे आलम का, और हमारी दुआएं हैं इनके साथ, आप सब की दुआएं हैं, मोमिनीन की दुआएं हैं, अज़ादारों की दुआएं हैं। इसी के साथ अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूं, नारे सलवात। ये थे जनाब हुजरत इस्लाम अली जनाब मौलाना महफूज़ुल हसन ख़ान साहब, जो जौनपुरी अज़ा के बारे में बयान कर रहे थे। मौलाना मसूफ़ ने एक जुमला कहा जिसकी मैं थोड़ी सी और वजाहत भी करना चाहता हूँ, और ये सबके लिए है जो भी खिदमत अज़ा के लिए करते हैं या खिदमत मौला करते हैं, खुसूसी तौर से कि कलीम जैदी साहब हों या चैनल कोई भी चलाने वाला हो, ठीक है वो अपने ज़बान से मुतालबा नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल जो साहिब फ़हम हैं वो तो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि वाकई इनका वक्त जा रहा है, तो इनको कुछ ना कुछ हदिया भी दिया जाए। लेकिन ये पैगाम, ये जौनपुरी अज़ा लाइव भी चल रहा है, मैं सबसे कहना चाहता हूँ जितने भी मोमिनीन इन लोगों को बुलाते हैं, भाई आप इतना पैसा खर्च करते हैं तबर्रुक में, मौलाना को बुलाने, जी जितनी चीज़ों में भी खर्च करते हैं, तो क्या इनको आप कुछ पैसा देने में क्यों आपको कराहियत महसूस होती है? क्या ये मांगे तब इनको मिलेगा? अगर ये मुतालबा करते तो बदनाम हो जाएंगे कि ये पैसा मांगते हैं। तो मेरी सबसे पूरी कौम से, भाई ये कौम के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आप अगर इनको नहीं देंगे तो ये आगे चीज़ों को कैसे बढ़ाएँगे? तो इसमें तो बढ़ चढ़ के लोगों को हिस्सा भी लेना चाहिए, लोगों को करना भी चाहिए इसके साथ, मैं सारे लोगों की बात कर रहा हूँ। बहरहाल मैं जो मेरी बात थी, जो मेरे दिल की बात थी, और मुझे इसका इंतज़ार था कि मुझे ऐसा कुछ मौका मिले कि मैं ये बयान करूँ, ये मुझे पहली बार ऐसा मौका मिला कि जो मैंने बयान किया,
जी इंशाल्लाह अमल होगा जी 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 पाके मोहम्मद वाले बाबा दे बोला नारे सलवात पेश कर दे हजरत। कुछ तोहफे हैं कुछ खुशियाँ एहतशाम साहब को मैं मेरा काम निजामत करा मैंने निजामत किया एहतशाम साहब को शेर पढ़ेंगे मैं क्योंकि बहरहाल कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है एहतशाम साहब भी हर आदमी किसी न किसी ज़रिए से जौनपुर अज़ा से जुड़ा हुआ है और बहरहाल एहतशाम साहब की भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से खिदमत रही है जौनपुर अज़ा के लिए तो मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब एहतशाम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुछ कलाम पेश करें बाबा दे बुलंद सलवात पेश कर दें सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद तारों में ज़िया फूल में खुशबू जो बसी है तारों में ज़िया फूल में खुशबू जो बसी है सरकारे दो आलम की ये सब जलवागरी है तारों में ज़िया फूल में खुशबू जो बसी है तो कुछ ऐसे मेरे वेद ज़बाना दे अली है हाँ कुछ ऐसे मेरे वेद ज़बाना दे अली है खुद आज मुसीबत में मुसीबत की घड़ी है खुद आज मुसीबत में मुसीबत की घड़ी है शेर मुलादा फरमाए बैते अबू तालिब की न कुछ पूछिए अजमत बैते अबू तालिब की न कुछ पूछिए अजमत इस घर में नबूवत भी इमामत भी पली घर में नबूवत भी इमामत भी पली है बस ये आखिरी शेर मुलादा फरमाए शबीर मदीने से चले है तो लगा है हाँ शबीर मदीने से चले हैं तो लगा है रहमत की हवा शहरे मदीना से चली है रहमत की हवा शहरे मदीना से चली है बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत जी तो जनाब एहतशाम जौनपुरी साहब बहरहाल हुक्म है कलीम साहब का एक दो शेर में भी पेश कर दे रहा हूँ एक सलवात पढ़ दें मिलजुल के मोहम्मद वाला क्योंकि सिलसिला है सरकार की विलादत का चल रहा है उस मुनासिबत से एक मतला और एक दो शेर समाप्त कर लें नबी की महफिल सजी हुई है
शऊर मद हो सना जवा है, नबी की महफिल सजी हुई है। शऊर मद हो सना जवा है, खुदा की रहमत बरस रही है, जमी पे फिरदौस का समा है। नबी की महफिल सजी हुई है, शऊर मद हो सना जवा है। शेर समात करें खास तौर से, कि नजर में तैबा है सामरा है, नजफ खुरासान व करबला है। नजर में तैबा है सामरा है, नजफ खुरासान व करबला है। फरिश्तों तुम्हें बताए हमारी जन्नत कहाँ कहाँ। नबी की महफिल सजी हुई है, शऊर मद हो सना। नजर में तैबा है सामरा है, नजफ खुरासान व करबला है। फरिश्तों तुम्हें बताए हमारी जन्नत कहाँ कहाँ है। नबी की महफिल सजी हुई है, शऊर मद हो सना जवा है। बस ये आखिरी शेर खुसूसी तौर से मैं उलमाए कराम भी तशरीफ फरमा, बहरहाल शोराए कराम भी समात करें, शेर पोतर खास समात करें। कि नुसैरियों से कहो न बहके, अली को अपना खुदा न समझे। खास तौर से समात करेंगे काफिया बतौर खास। नुसैरियों से कहो न बहके, अली को अपना खुदा न समझे। खुदा खुदा है अली अली है, यकी यकी है घुमा घुमा है। खुदा की रहमत बरस रही है, जमीन पे फिरदौस का समा है। नुसैरियों से कहो न बहके, अली को अपना खुदा न समझे। खुदा खुदा है अली अली है, यकी यकी है घुमा घुमा है। खुदा की रहमत बरस रही है, जमीन पे फिरदौस का समा है। बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद भवान जबलन सलवात पढ़ते हैं। हजरत हजरत, सबसे पहले मैं गुजारिश गुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना महफूजुल हसन खान साहब की ब्लेसिंग कि वो तशरीफ़ लाएं, और कलीम साहब को भी मैं बुलाना चाहूँगा कि कलीम जैदी साहब भी तशरीफ़ लाएं, और जो इनको यूट्यूब की जानिब से सिल्वर बटन प्रोवाइड हुआ है, दिया गया है, उसको इफ्तिताह करें, उसको ओपन करें। बाबाजा बोला सलवात पेश करें आप हजरात, कर और मौलाना लोग को बुलाने गया। मौलाना दिलशाद साहब से भी गुजारिश है, मौलाना आसिफ साहब से भी गुजारिश है, वो भी तशरीफ लाएं, और हमारे बुजुर्ग भी आ जाएं, अकबर चचा भी आ जाएं, अकबर चचा भी आ जाइए, मौलाना साहब तशरीफ लाएं, सरकार आप भी इधर आ जाइए, अरे आ जाइए इधर, थोड़ा सा है काम। यारे बाबा जबलन सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व जिल फर याले याले याले। अस्सलामु अलैकुम।
हेलो मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाला जजाकल्ला भाई जजाकल्ला माशाल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब अकबर हसन एडवोकेट साहब से कि वो मौलाना महफूजुल हसन खान साहब को शाल से परिदाई करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद मैं गुजारिश गुजार हूँ जाफर रजा साहब जप्पू साहब से जो मुतवल्ली भी हैं इस वक्त आसिफ साहब को शाल पहना के उनका इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद अब मैं गुजारिश हूँ किसे परवाए मैं जनाब शमीम साहब से जो हमारे बहरहाल सरपरस्त भी हैं खानदान के भी हैं उनसे गुजारिश मौलाना दिलशाद साहब को शाल पहना का इस्तकबाल करें। अच्छा 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 अब मैं सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ जौनपुर अज़ा के सीनियर कैमरामैन जनाब मुन्ना आर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और जनाब चालीस पहनवा दो चालीस जैदी साहब से गुजारिश है कि और उसके बाद मुन्ना भाई दूसरे मुन्ना भाई जो हैं ये भी बहुत सीनियर कैमरामैन रहे हैं और बहुत खिदमत दिया इन्होंने गवर साहब से गुजारिश है कि इनको चावल पहना दें जनाब इसके बाद कैमरामैन सबसे वो एंकर और बहरहाल इस टीम के साथ जुड़े रहे शुरू से जो सीनियर एंकर जनाब खादिम अब्बास से अब्बास साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और जनाब राशिद साहब से गुजारिश है जनाब चंदन साहब जो इस वक्त बहरहाल एंकरिंग के काम को अंजाम दे रहे हैं उनसे गुजारिश है तशरीफ़ लाएं और मौलाना दिलशाद साहब से गुजारिश है चंदन साहब को जनाब मीसम कौन जनाब मीसम भाई भी बहरहाल बहुत पुराने कैमरामैन रहे हैं इस टीम के साथ जुड़े रहे हैं उनसे गुजारिश तशरीफ लाएं और मौलाना आसिफ साहब से गुजारिश है बहरहाल क्योंकि ये हो गया नाम ना लिखे रहोगे आप लोग का बिना लिखा नाम दादा पहना देंगे तू बुलाना है बोलो जनाब कोई भी पहना दो जनाब इत्तिशाम साहब से गुजारिश है कि वो सामने आए और मुतवल्ली जनाब जाफर सैदी साहब के हाथों से शॉल पेश कर रहे हैं रिकॉर्डिंग होगी ना अभी ताबिज भाई से पहना दो रुको रुको तनवीर ताबिज भाई जनाब ताबिज साहब से गुजारिश है कि वो आए और जनाब तनवीर जौनपुरी साहब को शॉल पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं गुजारिश गुजार हूँ हुजरत इस्लाम अली जनाब मौलाना महफूज अल हसन खान साहब से कि ये जो बच्चों की टीम है उनसे गुजारिश है कि एक एक लोग आते हैं अकील साहब से गुजारिश है अकील साहब तशरीफ लाएं जनाब सैफ साहब से गुजारिश तशरीफ लाएं सैफ सीनियर बड़े से जनाब वली साहब की बहुत खिदमत रही है और बहरहाल मौला इनको सलामत रखें जनाब वली साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं जनाब वली साहब से
जनाब अंशु साहब, अंशु साहब से गुजारिश, तशरीफ लाएं, अंशु साहब तशरीफ लाएं, और इसके बाद जनाब अर्शी साहब, अर्शी साहब आइए, जनाब शाह साहब, अर्शी साहब के बाद जनाब शाह साहब तशरीफ लाएं, और मौलाना साहब के हाथ से शील्ड ने शाह साहब, शाह सैफ हैं, सैफ अलग हैं, शाह अलग हैं, शानू साहब से गुजारिश है भाई, शानू साहब भी बहुत खिदमत रही इनकी, और अली अली साहब, अली साहब, अली साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं, अली साहब भी तशरीफ लाएं, छोटे, अच्छा अच्छा अच्छा, जनाब इमरान साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं, वहाँ साहब इधर आ जाइए, वहाँ साहब आप इधर आ जाइए, आओ इधर आ जाइए ना आप भी अपने, अरे हमारे छोटा शेर है, इमरान साहब से गुजारिश है तशरीफ लाएं, जनाब सैफ साहब काफ़ी खिदमतें रही हैं इन लोगों की जौनपुरी अज़ा के लिए, आप लोग कम से कम सलवात तो भेजते रहे भाई, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद, जनाब फरमान साहब, चांद है, चांद है, हाँ चांद है, चांद है नहीं, मेरा नाम है, मुझे बाद में मिलना है, अच्छा अच्छा, जनाब चांद साहब तशरीफ रखते नहीं हैं, और जनाब भाई अब तो बहरहाल एक मौका है, आप एक जोरदार नारा तो लगा दीजिए, नारे हैदरी, मैं कलीम जैदी साहब जो जौनपुरी अज़ा के डायरेक्टर हैं, जनाब महफूजुल हसन खान साहब, मौलाना आसिफ साहब, जनाब अकबर साहब और मुन्ना साहब के हाथ से शील्ड लेते हुए और सिल्वर बटन, आप अज़ा से गुजारिश है इनकी फला बहबूदी के लिए, बाबा से बुलंद नारे सलवात, अल्लाहुम्म सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जाले अरे इतनी तैयारी कर ली, ए तो